लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच, देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी, लिमरा न्यूज देख रहे हैं आप। इस समय हम मौजूद हैं पिकअप भवन पे, जहां आप देख सकते हैं कि किसी छात्र संघ के जो ये हैं, ये 2500 सीटों के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि इसको जल्दी भर्ती की जाए, विज्ञप्ति जारी की जाए, जिसको लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे जी, क्या कुछ पूरा मामला है, किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, करीब 2.5 साल 3 साल हो गए वैकेंसी आए, और एग्रीकल्चर की वैसे भी वैकेंसी आती नहीं है, और इतना लंबा गैप हो जा रहा है। हम लोग ग्रेजुएट हुए खाली पकौड़ी तलने के लिए थोड़ी ना है, हम लोगों को नौकरी चाहिए। तो उच्च अधिकारियों से क्या कुछ कहा गया? वो सुनने के लिए अभी तैयार नहीं है। क्या कुछ बोल रहे हैं, बात हुई? बात हुई है, आश्वासन भी नहीं दे रहे हैं, और जबकि कैलेंडर में निकला भी है कि वैकेंसी आएगी, लेकिन कब तक आएगी ये बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो किसी से कुछ बात हुई क्या? कुछ हाँ सर, बात हुई कंप्यूटर ऑपरेटर से, और बाकी सचिव जी से मैंने कहा मिलने के लिए, तो बोले कि उनसे नहीं मिल सकते। बाकी जो कंप्यूटर ऑपरेटर, उन्होंने कहा कि जो है हम लोग का काम चल रहा है लगातार, हम लोग खाली नहीं बैठे हैं, क्योंकि जो हम लोग ये नहीं बता सकते कि भर्ती कब तक आएंगी, जनवरी में आ सकती है, नहीं फरवरी में आ सकती है। तो मैंने उनसे ये कहा कि सर आचार संहिता लग जाएंगे तो उसके बाद वैकेंसी तो आती नहीं है। तो बोले ऐसा किसने कह दिया, तो वैकेंसी अगर आनी है तो आएंगी, हम लोग का अपना आयोग है, हम लोग का अपना काम चलता रहेगा, लेकिन हम लोग कोई एक्सपेक्टेड डेट नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम कल को बता दें कि 10 जनवरी आ जाएंगी, तो कल अगर नहीं आ पाई, हम लोग का काम नहीं हो पाया, तो 11 को फिर तुम लोग फिर पहुँच जाओगे। तो ऐसे हम लोग कोई डेट नहीं निर्धारित कर सकते। जनवरी फरवरी हम लोग ने बोला कि हाँ सर 2 महीने बाद भी अगर कुछ एक्सपेक्ट बता दें, तो बोले नहीं ये चुनाव बाद भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब क्लियर कुछ नहीं बता रहे हैं हम लोग को। और जबकि हम लोग को कैलेंडर में वो हाँ कैलेंडर में जो है किया है, मतलब उन्होंने कहा है कि 2500 पद लगभग एग्रीकल्चर के। कैलेंडर में बताया था कि 24 अक्टूबर है, 24 अगस्त को फिट करवाने के बाद सितम्बर में निकाल देंगे। अब तक ना तो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, ना सिलेबस जारी हुआ है, अभी एक भर्ती का किसी का जारी किए हैं, बाकी काम कुछ नहीं हुआ। कैलेंडर सिर्फ फालतू का है, कोई बकवास है। सर पेपरों में जो है भर्ती बराबर आ रही है, बंपर भर्ती आ रही है कृषि की, और भर्ती सर कहाँ पहुँची ये भी नहीं पता अभी तक, कहाँ पहुँची है स्पीच में भी रहती है भर्ती सर कहाँ पहुँची नहीं पता सर। विज्ञप्ति ना जारी हुई, सिलेबस बता दिया है, पढ़ना है। अगर ये एग्रीकल्चर वालों को भर्ती नहीं देनी है तो पूरी तरह से सब्जेक्ट बंद कर दिया जाए इनको, मतलब ताकि आगे आने वाले भविष्य में बच्चों का मतलब करियर खराब ना हो। उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर वाले के लिए केवल यही वैकेंसी थी, कृषि प्रावधिक सहायता और गन्ना पर्यवेक्षक, और वो भी भर्ती आ नहीं रही है। बच्चे क्या करें, बेरोजगार बैठे हैं, घर बैठे हैं अपने, क्या करें बताओ बेरोजगारी में इतनी। आगे क्या कुछ करना है? आगे अभी देखते हैं, अगर नहीं होगा तो ज्ञापन है देने के बाद, अगर ये वैकेंसी नहीं आती है तो धरना और व्यापक होगा हर जिले में। अब संघर्ष से ही लेना पड़ेगा कुछ भी ऐसे। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी तरीके से अगर आपने जो है कृषि का विषय बना के रखा है तो उसके लिए कुछ कम से कम वैकेंसी दीजिए। सारे सब्जेक्ट के लोग होते हैं, अगर इसमें ग्रेजुएट किए हैं तो बेरोजगार हैं, अगर ये प्रदर्शन करते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ना सुनी जाती है, ना कोई बात आगे बढ़ती है। आपने बोला अब विज्ञापन आएगा, वैकेंसी आएगी, डेट तक बताया, अभी तक पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ, डेट और विज्ञप्ति की बात बड़ी दूर की है, तो बहुत कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है नौजवानों के साथ, जबकि किसानों के नाम पे इतना बड़ा व्यापार इनका चल रहा है राजनीति में, और किसानों के हित की बात करने वाले, पढ़ाई करने वाले, उनको जागरूक करने वाले नौजवानों का इस तरीके का काम किया जा रहा है सरकार से। हमारी संख्या लगभग यूपी में 1.5 लाख के आसपास में है, उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ की, और प्रदेश के सभी जिलों में अगर ये वैकेंसी क्लियर नहीं देते हैं तो 10 से 15 दिन के बाद हम लोग काफ़ी बड़ा और धमाकेदार आगाज करेंगे। हो गया सर, बोला सर। योगी जी और मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि के छात्र जो है दर बदर भटक रहे हैं, उनका कुछ हता पता नहीं है कि हाँ वो लोग आगे क्या करेंगे, उनका क्या भविष्य है, क्या नहीं है। और हम लोग इसी कन्फ्यूजन में है कि हम लोग वैकेंसी का इंतजार करें या तो फिर अपना कमाने धमाने जाएं। मतलब अगर कुछ क्लियर कर दें, अगर इनको वैकेंसी नहीं देनी है तो कैलेंडर में और न्यूज़पेपर में क्यों निकालते हैं? तो बस यही अगर क्लियर कर दें कि हाँ वैकेंसी नहीं देनी, तो हम लोग अपना जाएं, अपना दूसरा काम देखें, बस यही कहना था सर। जैसा कि आपने देखा है, किसी छात्र संघ के जो लगातार रोजगार के लेकर अपनी गुहार लगा रहे हैं, इनका ये भी कहना है कि भर्तियां निकल रही हैं, लेकिन उनकी भर्तियां नहीं हो रही, ऐसे में इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक भर्ती पूरी नहीं हो जाती तब तक इनका धरना प्रदर्शन ऐसा ही जारी रहेगा। अब देखना यह होगा कि सरकार इनकी मांगें पूरी करती है या फिर ऐसा ही धरना प्रदर्शन इनका जारी रहता है। कैमरा पर्सन इमरान हैदर के साथ मैं अंकित तिवारी, लिमरा न्यूज़, लखनऊ।